नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागीला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। अल्मोड़ा में राज्य आंदोलनकारियों की बैठक में निर्णय लिया गया। पिछले एक साल से युवक लापता, दर दर भटक रही माँ, ट्यूशन जाती किशोरी के साथ हुई छेड़छाड़। कमिश्नर ने लिया राष्ट्रपति कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा। हल्द्वानी के महिंद्रा शोरूम में हुई चोरी। रामनगर पहुंची जिलाधिकारी वंदना सिंह। हल्द्वानी MBG कॉलेज में चुनाव के नाम पर अराजकता। अब खबरें विस्तार से। अल्मोड़ा पेड़चाल में राज्य आंदोलनकारी की बैठक में निर्णय लिया गया। आपको बता दें, 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस पर राज्य आंदोलनकारी अल्मोड़ा NTD चौराहे से गांधी पार्क तक पैदल मार्च करेंगे। जसपुर कोतवाली क्षेत्र के जोशियान में एक बूढ़ी मां अपने 35 साल के बेटे को ढूंढने को दर दर भटक रही है। आपको बता दें, पिछले एक साल से उनके लापता बेटे का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। अब बूढ़ी मां आस लगाए बैठी है कि कब उसका बेटा घर आएगा। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। मैंने उठी काशीपुर में विजय रखी यहाँ थाने में भी है, जी चौकी पे भी है, पढ़ाई करनी कर बच्चे नुका दिन। हाँ आ जाएगा बस बच्चे जाडे में गया है, जाडे आ रहा है बच्चे। मुझे लड़का चाहिए, मैं अकेली हूँ। दिसंबर 2022 में जितेंद्र नाम का एक व्यक्ति है, जितेंद्र पुत्र स्वर्गीय अशोक कुमार, ये मोहल्ला जोशियान जो मंदिर मस्जिद वाली गली है वहाँ का रहने वाला है। ये पैसे से जो है सन्निदान मांगने का काम करता था और इसकी एक बूढ़ी माँ है जिसने तहरीर दी थी दिसंबर 2022 में कि उसका बेटा घर से बिना बताए चला गया है, जिस प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करते हुए जसपुर थाने में गुमशुदगी दर्ज की गई थी। और ये गुमशुदगी लगातार चल रही है, इसको ढूंढने का लगभग हर संभव प्रयास किया गया है। जैसे हरिद्वार, देहरादून, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, ये जनपद उधम सिंह नगर के सीमावर्ती जितने भी जनपद हैं सभी में इसको सुराग रसी, पता रसी और सभी थानों में जो अज्ञात शव मिलते हैं उनसे भी उनका मिलान किया गया है। इसके अलावा जैसे उसकी जो एक रूटीन वर्क था सन्निदान मांगने का, तो हरिद्वार हर की पैड़ी पर भी उसको जो है ढूंढा गया है, परंतु उसके बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल सकी है। कोतवाली पुलिस ने ट्यूशन जा रही किशोरी से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लड़के को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की गई है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, हमें 112 पे सूचना मिली थी कि दो बच्चियां जो है 12-13 साल की अपने घर से ट्यूशन की तरफ जा रही थी। जब वो ट्यूशन जा रही थी तो एक उनके ट्यूशन के सामने एक रेंट पे एक लड़का रहता था जो उनके घर पे लैंडलॉर्ड के घर पे काम वाम भी करता था थोड़ा। तो उसने आके कुछ बदतमीजी की, कुछ ऐसी हरकत की, तो बच्ची काफ़ी परेशान हो गई थी, आहत हो गई थी। तो आसपास के जो लोग थे उन्होंने भी वो ये घटना देखी, तो उन लोगों ने ही फिर 112 पे सूचना दी। तो त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे जो सब इंस्पेक्टर है वहाँ पे गए, उसकी वहीं से मौके पर ही गिरफ्तारी हुई है उस लड़के की, और आज उसको पेश किया जाएगा और FIR इमीडिएटली करी हम लोगों ने। पंतनगर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगामी 7 नवंबर को गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय में प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें, वहीं चल रही तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लोग पक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। हल्द्वानी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने महिंद्रा शोरूम में हुई चोरी मामले में खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के 4 शातिर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया था। आपको बता दें, पुलिस ने काफी मेहनत के बाद मध्य प्रदेश से 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अभी फरार हैं जिनकी तलाश जारी है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, जो चोरी हुई थी 14-15 की रात में, उसमें 4 अभियुक्तों के द्वारा एक शोरूम में चोरी की गई और जो शोरूम में जो चोरी थी उस जो तिजोरी थी उसको उठाकर अपने साथ ले गए। हमारी जो टीम है उसने 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है और एक गाड़ी जो उन्होंने चोरी में यूज की थी उस गाड़ी की बरामदगी की है। इन 2 अभियुक्तों के कब्जे से 2,30,000 रुपये बरामद हुए हैं। बाकी 2 अभियुक्त जो हैं वो अभी गिरफ्तारी तो शेष है और बाकी की जो चोरी की रकम है वो भी उनके कब्जे से बरामद होनी शेष। ये दोनों आरोपी जो है मध्य प्रदेश से पकड़े गए। ये जो 2 अभियुक्त इनके पास 2,30,000 रुपए मिला है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते।
पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। जिलाधिकारी वंदा सिंह रामनगर पहुंची, जहां उन्होंने रामनगर वन विभाग द्वारा बनाए गए नगर वन का निरीक्षण किया और उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को बच्चों एवं बुजुर्गों के लिए कई एक्टिविटी और सुचारू करने के लिए कहा। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। रामनगर में हम लोग पिछली बार भी आए थे 2-3 माह पूर्व और अधिकारियों को कुछ विशेष प्रोजेक्ट्स के लिए दिशा निर्देश दिए थे, तो आज उसका हमने रिव्यू रामनगर के अंदर रखा है। साथ ही कुछ प्रोजेक्ट जो पिछले विजिट में कवर नहीं हो पाए थे, वह परियोजनाएं विभागों की चल रही हैं, उनको भी हम लोग देख रहे हैं। इसमें एक आज नगर वन का विजिट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में विभिन्न योजनाओं के कन्वर्जेंस से इस प्रोजेक्ट को करा है। अभी जल्दी ही ये जनता के लिए खुल जाएगा। इसमें काफी सारी सुविधाएं रामनगर के लिए लोगों के लिए रखी गई हैं। साथ में गर्जिया मंदिर का भी विजिट करेंगे, वहां आपदा से कुछ नुकसान हुआ है तो उसको सिंचाई विभाग ने प्रोटेक्ट करने का एक प्रोजेक्ट बनाया है, उसको देखेंगे और विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ एक रिव्यू बैठक भी करेंगे, जिसमें पूर्व में जो निर्देश इस विधानसभा के कार्यों के लिए दिए गए थे उनके अनुपालन की क्या स्थिति है उसकी समीक्षा करेंगे। हल्द्वानी का एमपीजी कॉलेज छात्र संघ चुनाव के नाम पर अराजकता का अड्डा बना हुआ है, जिस पर अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। आपको बता दें कॉलेज परिसर में सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत के दावे भरे हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सारे मेरे दोस्तों, बड़े बड़े भाई लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। शुरू से प्यार मिल रहा है मुझे, जिस क्षेत्र में आ रहा हूँ वहाँ से प्यार मिल रहा है, सब जान रहे हैं, तो धन्यवाद उन चीजों के लिए। भैया आज हम MBBG कॉलेज के NUCI से UR प्रत्याशी, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि प्रत्याशी छोटे भाई सुजय सचिन के उसमें हम रैली में हम यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं, जिसमें हमने पूर्ण रूप से उनका समर्थन किया है और सभी लोगों का प्यार सुजय सचिन के साथ है। मैं कमलपुरा की छोटी बहन भूमिका, मैं चाहती हूँ मेरे भाई मतों से जीते, इतनी वीर हमें आज जितनी दिखाई दी उससे भी ज्यादा वोट मेरे भाई को पड़े, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ आप लोगों से। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागिला न्यूज चैनल से। धन्यवाद। Thank you.